सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बिरयानी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है और रेस्टोरेंट में तो ये काफी बार लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये 1 kg हमने बोनलेस चिकन क्यूब्स ली हैं, ये 1.5 से 2 इंच के टुकड़े इस तरह से हमने कटवा लिए हैं। उसके अलावा 5 टेबलस्पून हमने दही लिया है, इसको हमने फेंट लिया है। मसालों में हमने ये 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने ये पिसा हुआ धनिया लिया है। उसके अलावा मैंने ये 1 बड़ा नींबू का रस लिया है और 2 चुटकी मैंने ये ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। इसकी जगह अगर आप चाहें जर्दे का रंग भी ले सकते हैं या फिर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें सभी मसालों को एक एक करके मिक्स करते जाएंगे। नमक, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, ये काली मिर्च, फूड कलर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, कुछ लोग टिक्का मसाला भी यूज कर लेते हैं, अगर आपको वो पसंद हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और ये लेमन जूस। बीज मैं निकाल लूंगी। अब हम सभी मसालों को चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है, चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने ये 1 बड़ा फ्राइंग पैन लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। फ्लेम हमने अपनी मीडियम रखी है। तेल को थोड़ा हम तेज गरम करेंगे, फिर इसमें चिकन डालेंगे। अब हम अपने चिकन के एक एक पीस को इसमें अच्छे से फैलाते जाएंगे। तो चिकन के सारे पीसेस को हमने पैन में अच्छे से फैला लिया है और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। तो जब तक हमारा टिक्का बन रहा है हम चावल देख लेते हैं। ये मैंने व्हाइट बासमती राइस लिए हैं, इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वॉश करके अच्छे से भिगो दिया है। उसके अलावा मैंने ये 3 टेबलस्पून नमक लिया है, 3 तेजपात के पत्ते लिए हैं, 1 बादियान का फूल, 4 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 6-7 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून मैं तेल लूंगी। और इसका मैं 3 गुना या 4 गुना मैंने पानी बॉइल करने के लिए रख दिया है। मैंने 2.5 लीटर के करीब पानी बॉइल करने के लिए रखा है। टिक्के को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इसमें अभी काफी पानी है जबकि हमने अपनी फ्लेम को हाई रखा हुआ है। इस तरह से हम इसकी सभी पीसेस की साइड चेंज कर देंगे। हमने सभी पीसेस की साइड चेंज कर दी है, अब हम 5 मिनट इनको भी
ऐसे ही पकने देंगे। इस साइड से भी चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि हमारा चिकन जो है वो 90% पक जाए। फिर उसके बाद हम इसे खोलकर हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें ग्रिल मार्क्स आ जाएं। 2.5 लीटर हमने पानी को बॉईल कर लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे अपने खड़े गरम मसाले। सभी खड़े गरम मसाले हमने डाल दिए, नमक और ये हम ऑयल डाल रहे हैं 2 टीस्पून। अब हम डालेंगे इसमें चावल। चावलों को हम 90% बॉईल कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है, ये देखिए। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे सभी पीसेस की और इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इन पर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाए, इस तरह से। जब तक हमारे चिकन पीसेस के ऊपर अच्छा सा कलर आ रहा है, हमने एक चारकोल यानी कोयले का टुकड़ा लेके इसको अपनी गैस के ऊपर जलने के लिए रख दिया है। अब हम इससे स्मोकी फ्लेवर बनाएंगे यानी धुआं देंगे। ये देखिए हमारे चिकन के पीसेस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको साइड में करेंगे और स्पेस बनाएंगे और अपनी गैस को हम बंद कर देते हैं। हमने पैन के बीच में एक स्पेस कर दी है, उसमें ये स्टील की प्याली रखी है। अब हम ये कोयला इसमें रखेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अपने पैन को फौरन कवर करके हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल 75% बॉईल हो गए हैं। अब हम इनको एक छन्नी में डाल देते हैं और थोड़ा इनका पानी हम रोक लेंगे। चावलों को हमने छन्ने में निकाल लिया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। चिकन टिक्का तैयार हो गया है, इसमें बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर की खुशबू आ रही है। अब हम आगे की चीजें देखते हैं। तो हम तीसरे स्टेप के लिए सामान देख लेते हैं। ये मैंने 4 प्याज लेकर इसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1 कप दही ली है, इसको मैं फेंट लूंगी। ये चावलों का पानी है 1 ग्लास। ये हरा धनिया मैंने लिया है, ये 1 कप के करीब है। इसको मैंने वॉश करके काट लिया है। 2 चुटकी मैंने जर्दे का रंग लिया है। 1/2 टीस्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च है। 1/2 टीस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। हमने एक पॉट में 1/2 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर अब हम ये अपनी जो प्याज है इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम अपनी आधी प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने आधी प्याज निकाल ली है। अब हम बची हुई प्याज के अंदर सबसे पहले डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर ये जो हमारा चावलों का पानी है 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, रेड चिली पाउडर और ये जो हमने 2 टीस्पून कसूरी मेथी ली थी इसको भी क्रश करके हम डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अपने मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें दही। दही को हमने फेंट लिया है, ये देखिए। और हम दही को इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए।
दही बहुत अच्छे से भुन गई है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम अपने टिक्के को इसके अंदर डाल देते हैं। टिक्के को हम अपने मसाले में 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से, स्मोकी फ्लेवर। दो मिनट हो गए हैं टिक्के को पकते हुए। अब हम इसमें से आधा टिक्का बाहर निकाल लेते हैं और इसकी ग्रेवी के साथ, उसी पैन में निकाल रही हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, आधा हमने टिक्का निकाल लिया है। अब हम अपने टिक्के के ऊपर आधे चावलों की लेयर लगा देंगे। आधे चावल हमने इस पर फैला दिए हैं। अब हमने जो प्याज निकाली थी उसकी आधी प्याज हम इस तरह से चावलों पर फैला देंगे। साथ ही में जो हमने हरा धनिया काट के रखा हुआ है इसको भी हम आधे को फैला देंगे चावलों पर। अब बचे हुए चिकन को की हम एक और लेयर लगाएंगे। इस पर हम अपने चावल डालेंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी बची हुई प्याज डाल देंगे। और अपना हरा धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो हमारा पानी है ये देखिए, बस हम 2-3 टेबलस्पून ही डालेंगे बस। और ये जो हमने फूड कलर लिया था सिर्फ एक साइड में हम और दूसरी साइड में बस इस तरह से हम डाल देंगे। और अपने पॉट को हम कवर करके पहले मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर लो फ्लेम पर हम 5 मिनट या 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ देंगे। तो तैयार है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। हम इसको बहुत हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो तैयार है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही खुशबूदार है ये, इसका स्मोकी फ्लेवर आपको बिल्कुल इसका दीवाना कर देगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।